हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चीजी कोड। आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं तो आपने नोड पैकेज मैनेजर का नाम तो सुना ही होगा, आप लोग यूज़ भी करते होंगे क्योंकि आजकल जो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स हैं जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, उसमें तो ये यूज़ होता ही है। तो आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें हम आपको बताएंगे कि NPM में वर्जनिंग का क्या रोल होता है, कैसे हम वर्जन मेंटेन करते हैं जब हम इंस्टॉल करते हैं या फिर हम जो भी अपने प्रोजेक्ट में जैसे हम मेंटेन करना चाहें तो वर्जन को कैसे हम मेंटेन करते हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट बना हुआ है, ऐसे ही कोई डमी प्रोजेक्ट है। मैं इसकी पैकेज जेसन आपको दिखाता हूँ। ये इसकी पैकेज जेसन है, बहुत छोटी सी पैकेज जेसन है जिससे आपको समझ में आ जाए। इसमें डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं, तो जो हमारे NPM से आपने पैकेज डाउनलोड किए होते हैं वो सारे आपके डिपेंडेंसीज में आके दिखने लग जाते हैं। जैसे रिएक्ट का जो वर्जन है 16.5.2 है, इसके आगे कुछ सिंबल भी बना हुआ है। ऐसे सिमिलर वर्जन बाकी पैकेजेस के भी हैं। तो ये सिंबल क्या होता है, ये वर्जनिंग कैसे मेंटेन करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो NPM पैकेजेस जो होते हैं उनके वर्जनिंग में तीन पार्ट्स होते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेजर वर्जन, जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है माइनर वर्जन, और थर्ड पार्ट जो होता है हमारा वो होता है पैच वर्जन। तो बेसिकली वर्जन जो मेरे बनते हैं वो बनता है 1.0.0, कुछ मेरा इस तरीके से पैकेज बनता है। अब मेरा कोई बहुत छोटा सा चेंज है जो मेरे को स्पेसिफिक इशू के लिए है, उसमें यूजली हम इंक्रीमेंट करते हैं 1, 2, जो भी आपका पैच वर्जन होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पैच वर्जन बहुत कम होते हैं, यूजली माइनर वर्जन ही हमारा रिलीज होता है इस तरीके से। तो जैसे जैसे आपके चेंजेस आते जाएंगे जब आप NPM पे पब्लिश करते हैं कोई पैकेज, तो उसका वर्जन बढ़ता जाता है। तो कोई माइनर चेंज है तो ये वाला नंबर इंक्रीमेंट होता है, कोई बहुत बड़ा मेजर रिलीज जा रही है किसी पैकेज की तब वो ये वर्जन चेंज करते हैं। तो ये जो वर्जनिंग होती है, अगर हम पैकेज पब्लिश कर रहे हैं, हमारा है पैकेज, तो उस केस में ये वाली कन्वेंशन यूज़ होती है कि आपको पैच भेजना है या आपको माइनर वर्जन भेजना है। लेकिन अगर आप इसके कंज्यूमर हैं तब जो सिंबल्स मैंने आपको अभी package.json में दिखाए हैं इस तरीके से ये पिक्चर में आते हैं। तो अब देखते हैं कि बेसिकली इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इन सिंबल्स का काम जो होता है वो आपकी पैकेज जेसन में होता है। ये आपको बताते हैं कि आपको कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, एक बार इंस्टॉल हो गया, अगली बार जब आप NPM इंस्टॉल चलाएंगे उस केस में आपका कौन सा वर्जन उठ के आना चाहिए NPM से, वो ये सिंबल डिसाइड करते हैं। अगर मैं किसी पैकेज के आगे यहाँ पर कैप लगाता हूँ, इसका मतलब ये होता है जब भी मैं NPM इंस्टॉल चलाऊंगा और मेरा उसके आगे अगर ये सिंबल लगा हुआ है पैकेज के आगे, उसका ये मतलब है कि जो मेरा मेजर वर्जन है वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद अगर पब्लिशर ने कोई भी माइनर वर्जन या कोई पैच, कोई भी चीज़ अगर उसने डाली है तो मेरे को लेटेस्ट में वो वाले चेंजेस भी आ जाएं। सो सपोज़ अगर मेरा पैकेज है 1.2.1 जब मैंने इंस्टॉल किया था, अब इसके बाद पब्लिशर ने पैकेज का वर्जन कर दिया है ये, तो जब मैं अपना NPM इंस्टॉल चलाऊंगा अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर, तब वो NPM पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या इसका कोई लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है। अगर वो मेरे इस रूल से मैच करता है कि मेरा मेजर वर्जन सेम रहे, बट इसके बाद मेरे जो भी लेटेस्ट अपडेटेड पैकेज होगा इस मेजर वर्जन के लिए, चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो गया हो माइनर में, वो मेरा उठ के आ जाएगा। अभी इसका लाइव एग्जांपल हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे ये कैप है, ऐसे सिमिलरली एक tilde का साइन भी होता है। इस tilde का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कैप था वो हमारे मेजर वर्जन पर स्टिक रहता है, जो मेरा tilde है वो मेरे माइनर वर्जन पे स्टिक रहता है। तो जैसे मेरा अगर ये साइन लगा हुआ है वो मेरे सिर्फ पैच वर्जन अपग्रेड करेगा। अगर मेरा पैकेज जो इंस्टॉल हुआ था वो ये था, उसके बाद अगर कोई माइनर वर्जन सेम होके कोई अपडेट है, या तो ये हो या ये हो, तो ये मेरा सबसे रीसेंट वाला उठा के ले आएगा। लेकिन मेरा यहाँ मेजर और माइनर वर्जन दोनों सेम रहेंगे जो मेरे package.json में लिखा हुआ है, बट ये मेरा लेटेस्ट वाला पिक करके ले आएगा क्योंकि मैंने tilde का साइन लगा रखा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाता हूँ तब मेरा ये सेम पैकेज रहेगा, कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा। जैसा मेरा पैकेज इंस्टॉल के टाइम पे था वो दोबारा, एवरी टाइम मैं NPM इंस्टॉल चलाऊंगा मेरा सेम पैकेज रहेगा। बट अगर मैं कोई स्पेशल सिंबल लगा देता हूँ आगे, तब मेरा बिहेवियर इंस्टॉलेशन का चेंज हो जाता है। इन सिंबल्स के अलावा एक चीज़ और होती है, अगर मैं यहाँ पे X लगा देता हूँ, दैट मीन्स कि मेरा जो भी कोई पैच वर्जन होगा, जो भी लेटेस्ट होगा, वो उठा के ले आएगा। या फिर अगर मैं X को यहाँ पे बजाए यहाँ लगाता हूँ तो मेरा सेम काम करेगा जो मेरा कैप वाला सिंबल कर रहा था, कि मेरा मेजर वर्जन स्टिक रहेगा, बाकी माइनर वर्जन में जो मेरा लेटेस्ट हो वो उठा के ले आएगा। एक सबसे फैंसी चीज़ होती है, आप एस्ट्रिक का साइन लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपका लेटेस्ट पैकेज होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पैच वर्जन, मेजर वर्जन, कुछ भी, अगर आप बहुत ही श्योर हो कि जो आपका पब्लिशर है आपको बिल्कुल स्टेबल पैकेज देता है, आप ये एस्ट्रिक का साइन भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी लेटेस्ट चेंजेस होंगे आपके NPM इंस्टॉल करते ही आपके प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल हो जाए। ये यूजली रिकमेंडेड नहीं है, मैंने तो नहीं देखा किसी को यूज़ करते हुए,
तो आप भी मत कीजिएगा। अब आते हैं वापस अपनी package.json फाइल में, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब क्या होता है, जब भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कैप का साइन लगा हुआ आता है। अजम्पशन ये रहता है कि जो माइनर वर्जन है उसमें कोई ब्रेकिंग चेंजेस नहीं होंगे, तो आपका यूजली स्टेबल ही रहता है। अगर आपकी विश है तो आप इसको हटा सकते हो इंस्टॉल होने के बाद, सो दैट आपका वर्जन अपडेट ना हो, एज इट इज़ रहे जो आपका स्टेबल वर्जन है। बट अगर आप चाहते हो, यूजली जब भी हम npm इंस्टॉल करते हैं तो ये लग के आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा npm install history, ऐसे ही history पैकेज डाल के देखता हूँ मैं कि क्या आता है। मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया है, अब मैं अपनी फाइल जाके देखता हूँ तो मेरा अपने आप यहाँ पे वर्ज़न लगा हुआ आ गया है, इसके साथ मेरा कैप का साइन भी आया है। तो ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है, बट अगर कोई मेरा माइनर वर्जन या पैच वर्जन अपडेट होता है तो जब भी मैं npm install चलाऊँगा मेरा लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। एक इसमें और चीज़ होती है कि अगर आपको चेक करना है कि मेरे जो पैकेज जेसन में फाइल पड़ी हुई है, जो भी मेरे पैकेजेस पड़े हुए हैं, एक्चुअल में npm पे कौन से लेटेस्ट पैकेज पड़े हुए हैं, और मेरी पैकेज जेसन मैं अगर npm इंस्टॉल चलाता हूँ तो उस पर क्या चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए एक दूसरी कमांड होती है। तो पहले तो मैं अपना हिस्ट्री वाला पैकेज अभी अनइंस्टॉल करता हूँ। ये मेरा पैकेज अनइंस्टॉल हो गया है, चेंजेस भी रिफ्लेक्ट करके। अब क्या होता है, कमांड होती है npm outdated। ये आपको जो भी आपके पैकेजेस की स्टेट है कि वो अपडेटेड हैं, अपडेट होने हैं, npm install चलाओगे तो क्या होगा, वो आपको चीज़ बताता है। ये थोड़ा टाइम लेता है आने में, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बताना चाह रहा है। ये मेरी पैकेजेसन है, अब यहाँ पे दिखा रहा है करंट वर्जन जो मेरे यहाँ पे मैंशनड है, 16.5.2 ऐसी 1.1.5, ये सिमिलर है करंट जो मेरे पैकेजेसन में मैंशनड है। अब वांटेड में लिखा आ रहा है 16.8.6। अब ऐसा क्यों आ रहा है ये, क्योंकि मेरे यहाँ पे कैप लगा हुआ है, दैट मीन्स कि जो मेरा मेजर वर्जन है उसके बाद जो भी माइनर का मेरा अपडेट है वो सारा आ जाए, तो वांटेड में मेरे ये वाला वर्जन लिखा हुआ है। सेम इज़ द केस विद रिएक्ट डॉम। अब यहाँ रीड स्क्रिप्ट के साथ क्या हो रखा है, कोई कैप का साइन नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए क्या आ रहा है, ये वांटेड में भी सेम वर्जन है जबकि लेटेस्ट जो है वो 3.0.1 है। अगर मैं इसका साइन चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं tilde का साइन लगा देता हूँ, अब मैं अगर देखता हूँ अपना आउटडेटेड, तो इसने मेरा जो वांटेड दिखाया है वो अब 16.5.2 दिखा दिया जो कि सिमिलर है, क्योंकि इसके बाद कोई पैच वर्जन रिलीज नहीं हुआ होगा, और क्योंकि मैंने tilde लगाया है दैट मीन्स कि माइनर भी मेरा स्टेबल रहेगा, तो 16 और 5 तो मेरा सेम रहेगा। अगर कोई पैच वर्जन होता तो मेरा यहाँ पे वो नंबर आ जाता वांटेड में। अब पैकेज मेरा लेटेस्ट ये है 8.6, बट मेरा वांटेड में सेम ही दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये वाला साइन लगा दिया है। तो इस तरीके से आप अपने npm के पैकेजेस का ये जान सकते हैं कि वो कौन सा लेटेस्ट पिक करेगा, कौन सा लेटेस्ट पड़ा हुआ है npm पे। इस तरीके से आप वर्जनिंग अपने मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर हैं किसी पैकेज के तब ये बहुत यूज़फुल है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, कुछ मेरे से गलती हुई हो बताने में वो भी आप बता सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है अपनी गलती मानने में। हम जावास्क्रिप्ट की और भी वीडियोस लेके आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू चीज़ी कोड। और हाँ, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।